नमस्कार यू चैनल हेर्ने सबैलाई म राजू मोक्तान म बतासे राय भिल्लामा बस्छु र म अलिकति जातिगत यो ट्रेडिशनल बाजाहरु बनाउँछु। म यो जुन चाहिँ बाजा गाजा बनाउँछु यसमा म तामाङको डम्फुको सेलोहरू चाहिँ गाउन सक्छु र बाँकी चाहिँ म बनाउँछु। म यो 2008 डम्फु चाहिँ बनाएको। सानैदेखि म डम्फु बजाउँथे अनि मेमेहरूको पछि पछि हिँड्थे। पछाडिबाट यो डम्फुहरू एकदमै लुप्त भएर छुप्त भएर जाँदाखेरि चाहिँ नपाउने हुना कारणले आफै डम्फु बनाउनु सिके र म डम्फु बनाउँथे। यसरी डम्फु बनाउँदै गर्दा चाहिँ लामाहरू आएर ढ्याङ्ग्रोको पनि डिमान्डहरू गर्नुभयो, त्यो पनि सक्सेस भयो र त्यसरी नै अहिले डम्बरू मादल च्याप्रुङ खजडी ढोल सबै कुरो बनाउँदैछु। यो हाम्रो पिता पुर्खादेखि चलेर आएको यो मादल डम्फु, यो हाम्रो उत्सवमा बजाउने च्याप्रुङ भयो, मादल भयो, डम्फु भयो, ढोल भयो, यो खैजडीहरू भयो, यो सबै हाम्रो खुसीको उत्सवमा बजाइन्छ। अनि यो लामाको ढ्याङ्ग्रो चाहिँ हाम्रो पूजापाठमा अनि दुःखको घडीमा चाहिँ यो ढ्याङ्ग्रो बजाइन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पिता पुर्खादेखि चलेर आएको कुरो हो। यो मेरो तपाईँको म त अब नोकरी गर्नुपर्छ र यो चाहिँ मेरो एउटा बाध्यता भनौँ शुद्ध भएको कारणले गर्दा यसको पछि म लागि परेको छु। सांस्कृतिक बचाउने मेरो विचार हो बाँचिन्जेल। मैं बचपन से डम्फू लेकर गाना करता था, तो वो करते करते फिर पुलिस का सर्विस में चला गया, तो फिर लौट के आया, पोस्टिंग होते होते फिर अपना जगह में आया, तो हम फिर गाना करने शुरू किया। तो गाना करने के लिए हम एक डम्फू किसी से मांगेंगे तो डम्फू नहीं मिलता है, बनाने का आदमी भी बहुत कम हो गया। अभी तो कोई इसको पीछे भी नहीं करता है, मोबाइल के वो आ गया, लेकिन मैं इसके पीछे इसलिए लगा हूँ, मेरा पिता पुरखा ने जो सांस्कृतिक मान के आया है, जो हम लोग का गोरखा का बाजा है, ये बाजा गाजा जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं बनाऊंगा, आदमी का पास पहुंचाऊंगा, यह मेरा मन से कर रहा हूँ। ये मैं बनाता हूँ घर में ही, सब आदमी आके ले जाता है। ये लेने के लिए आप लोग का थोड़ा सहायता चाहिए। मैं किसी होलसेलर का नहीं देता हूँ, अगर कोई पॉजिटिवली खरीद नहीं सकता है तो उसको मैं गिफ्ट करता हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं दूंगा। ये मेरा रिजनेबल प्राइस में मैं सबको देता हूँ, होलसेल में मैं किसी मार्केट में नहीं देता हूँ अभी तक। ये मेरा लेने के लिए सिक्किम से भी जुड़ता है, सिक्किम से भी बहुत आता है और नेपाल से भी आता है, जगह जगह से आता है और डुवर्स साइड से भी आता है, कालिम्पोंग और दार्जिलिंग जिला से तो आता ही है, सिलगढ़ी में भी बहुत मेरा ये स्टेटमेंट जाता है। इसको डम्फू बोलता है। इसमें आपको एक्चुअली जो नियमी होता है उसमें अम्बुर सिंह कोइराला का कार्ड होता है, मधेश का ये कट्ठा बांस का 32 किला होता है, इसमें एक ये भी होता है, इसको टैप टैप भी बोलता है। 32 का अर्थ होता है 32 लक्षण और इससे लेकर 33 होता है, 33 का मतलब 33 कोटि देवी देवता का नाम आ जाता है। और इसमें लेदर होता है, बकरी का लेदर होता है और इसका काट का थोड़ा भिजा के इसको रोल करना पड़ता है और ये 32 किलो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। और इसको सब बना के इसको बनाकर हम लोग को रेडी करके ये इस तरीका से बजाने के लिए ये बनता है। आज का डेट में ये मेरा कॉस्ट टोटल मैंने 1000 से 1100 रुपया आता है, मैं ये 1200 में बिक्री करता हूँ। यहाँ पर ये मैं जो 1200 रुपये में बिक्री करता हूँ, 2019 में इंटरनेशनल अधिवेशन मिरिक में हुआ था, मेरा पास इसका दाम 1200 ही था, तो वहाँ पर नेपाल से भी लेके आया था, उसका प्लाईवुड का था, उन लोग का 3500-3000 ऐसा था। मेरा इसका उद्देश्य है, मकसद है मेरा कि सबका पास पहुंचाओ,
इसका जिंदा रखूं, इसलिए मैं बहुत कम कॉस्ट में मैं करता हूं। इसको चुटम चुटम बोला जाता है, ये लामा लोग जब मंत्र जप करके जब पूजा करता है तब इसको चलाता है। इसका काट सब मैं धूपगढ़ी से लेके आता हूँ, ये लेदर भी वहीं से मेरा आता है, उसको यहाँ लेके इसको पेस्टिंग करता हूँ। इसका जो ये बल है, ये बल आपका इंडिया में नहीं मिलता है, ये हमको नेपाल से मंगाना पड़ता है, नेपाल से लेके आता हूँ। इसमें बेल्ट ये रहता है, बेल्ट में ये आपका चोपेन एक ठो रहता है, ये बुद्धिस्ट का सिंबल है, इसको टोटल मिला के चुडम बोला जाता है। और ये जो है ये क्षेत्रीय ब्राह्मण लोग का, वो लोग का उत्साह में खुशियाली में इसको बजाता है। ये भी लेदर का पेस्टिंग, लेदर पेस्टिंग करके बनाना पड़ता है, इसको काट में इसको बना के इसको पॉलिश वॉलिश करके इसको बना के बजाना पड़ता है, ऐसे बजता है। ये तांत्रिक हम लोग का नेपाली में बोलता है झांकरी बिजुआ माता, उस लोग के लिए ये ढेंगरो। इसको आपको ये तांत्रिक लोग जब पूजा करता है तब ऐसा करके इसमें लेदर लगता है, ऐसे बजाता है इसको, इसको बोलता है तांत्रिक का ढेंगरो, झांकरी को ढेंगरो बोलता है इसको। और ये जो है आपका यहाँ पर ये गोरु का लेदर में, ये बुद्धिस्ट का लामा का ढेंगरो है, इसको बजाता है इससे। और ये जो है बेत का जगिंग स्टिक लाठी बोला जाता है इसको, ये बूढ़ा आदमी के लिए, इसका दाम है 200, अगर कोई आदमी आ गया तो मेरा मन चाह तो उनको गिफ्ट करके मैं भेज देता हूँ। ये जो है ये आपका लिंबू का च्याप्रुंग, इसमें एक साइड में बकरी का छाला लगता है, एक साइड में आपका गोरु का छाला लगता है, इसको च्याप्रुंग बोलता है, ये लिंबू जाति का होता है। और ये जो है इसको राई का ढोल बोलता है, राई का ढोल बोलता है, इसमें लेदर लगता है, ये उत्साह में राई लोग इसको बजाता है। ये तो सबने देखा ही है, इसको ढोल बोला जाता है, इसको मादल बोला जाता है, ये तो सबको मालूम ही है, गोरखा का सबसे इम्पोर्टेंट बाजा मादल माना जाता है।